अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और हियर इज़ योर मैथ्स इंस्ट्रक्टर और मैथ ट्यूटर यू कैन से, क्योंकि आज लिखा हुआ भी है यहाँ पे न्यू एडिशन। तो आपको पता ही है कि 9 क्लास की बुक चेंज हो गई है, 9 और मैट्रिक की फर्स्ट की भी हुई है। तो स्टूडेंट्स आर फेसिंग लिटिल बिट डिफ़िकल्टी इन सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस, और ज़ाहिर आपको भी पता है कोई सोल्यूशन मैनुअल अवेलेबल नहीं है फ़िलहाल, और हो भी रहा है तो अवेलेबल भी है, अपडेट हो रहा। तो कोशिश मेरी यही होगी कि मैक्सिमम तौर पे जितने भी सवाल हैं मैं आपको सॉल्व कराऊं, और बल्कि पूरी बुक ही कराऊं, क्योंकि जाहिर है हर स्टूडेंट को जो है वो मुश्किल दरपेश है। और अभी तो दिसंबर है, एंड ऑफ दिसंबर, तो कोशिश ये होगी कि जल्द से जल्द ये बुक कम्प्लीट कर ली जाए। अच्छा, मेरी एक एडवाइस याद रखिएगा कि मैथ को सॉल्व करते वक्त कभी भी इस टेंशन में ना पड़े कि ये एक्सरसाइज 1.1 है तो उसमें बहुत सारे सवाल हैं, 1.2 है तो बहुत सारे सवाल हैं, ऐसी टेंशन बिल्कुल ना रखें। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक दफ़ा कॉन्सेप्ट समझ लिया ना कि अगर एक चैप्टर का नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, और मुझे ये पता चल गया कि मुझे रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, तो चाहे उस एक्सरसाइज की 1.1 हो, 1.2 हो, या 1.6 हो, या सो ऑन, वो आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो इस माइंडसेट को अपने पास रखें ताकि वो चीज़ें आप आसानी से कर सकें। अगर ये माइंडसेट नहीं होगा और ये रट्टाबाजी होगी कि मुझे 1.1 पूरी याद करनी है, 1.2 पूरी याद करनी है, फिर प्रैक्टिस भी करनी है, तो ये चीज़ सही नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 न्यू एडिशन, कराची बोर्ड मैथमेटिक्स, और स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से, जो के है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अच्छा, लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं अभी, तो आपके हाथ में एक प्रैक्टिस कॉपी और एक पेंसिल हो या पेन कुछ भी हो, ताकि आप चीज़ों को नोट कर सकें और आसान तरीके से चीज़ों को हल कर सकें, ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी आपको शायद नहीं लग रही हो, लेकिन थ्योरी का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको थ्योरी नहीं आएगी तो आप सवाल सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो थ्योरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सवाल ये है कि व्हाट इज़ रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर क्या होता है। अब आप लोग अपने माइंड में सोच रहे होंगे कि रियल नंबर वो होता है जो हम अपनी डेली ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, हमेशा याद रखना कि कोई भी डेफिनेशन जहन में आए ना, तो वो बोलने से हिचकिचाना मत, ठीक है। अगर कोई भी डेफिनेशन आपके जहन में आ रही है तो उसको बोलने से हिचकिचाइए मत, चाहे आप कहीं भी हों, क्लास में हों, किसी ट्यूटर के पास हों, या किसी दोस्त से शेयर कर रहे हो चीज़ें, तो डेफिनेशन बताने से घबराएंगे। क्या होगा, ज़्यादा गलती होगी ना, वो बंदा आपको जज कर लेगा थोड़ी देर के लिए, इस तरह का कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो रियल नंबर क्या होता है, अभी मैं टेक्निकल डेफिनेशन पर नहीं जाता, यहाँ लिखी हुई भी आपको नज़र आ रही है, लेकिन रियल नंबर क्या है, हर वो चीज़ या हर वो नंबर जिसको हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करता हूँ, बहुत सी चीज़ें यूज़ करते हैं। अगर मैं सौदा ख़रीदने जाता हूँ तो मैं पैसे लेके जाता हूँ, ज़ाहिर है कायदे आज़म को, तो 500 रुपये लेके जाता हूँ, 1000 रुपये लेके जाता हूँ, 100 रुपये लेके जाता हूँ, तो ये भी रियल नंबर है, ठीक है। इसके अलावा जब मैं ऐसी कैलकुलेशन करता हूँ जिसके अंदर प्लस और माइनस साइन हो, वो भी रियल नंबर है, ठीक है। लेकिन अगर वही रियल नंबर चेंज हो जाए किसी वेरिएबल में, ठीक है, या दूसरी चीज़ों में, या आयोटा वगैरह चीज़ें जो आगे हम पढ़ेंगे, तो वो रियल नंबर नहीं होता, ठीक है। तो क्या है, द नंबर इन विच ऑल अर्थमेटिक ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म, दे कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है जी। तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, अब अर्थमेटिक ऑपरेशंस सिंपल सा रखें, अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई और, ठीक है। तो कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन आप परफॉर्म करेंगे तो उसके अंदर रियल नंबर की एप्लीकेशन लाजमी आएगी। क्या 1+1 करते हैं, 1-1 करते हैं, 1 × 1 करते हैं, या 1/1 भी करते हैं, ठीक है। तो ये सारे रियल नंबर्स हैं, ठीक है। अब बहुत सारी एग्जांपल जहन में आ रही होंगी आपके, कोई मसला नहीं है शेयर करने। पहला जो रियल नंबर की एप्लीकेशन है या एग्जाम्पल है, वो कौन सी है हमारे पास, रैशनल या इरेशनल नंबर, ठीक है। दूसरी है हमारे पास इंटीजर्स, तीसरी है हमारे पास होल नंबर्स, और चौथी है हमारे पास नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए।
अच्छा, अब बात करते हैं रैशनल और इरेशनल की। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि रैशनल और इरेशनल क्या होता है, लेकिन असल चीज़ जो है वो क्या है, इंटीजर्स है। इंटीजर्स के मामले में कभी मत घबराइएगा, इंटीजर्स जो है वो हमेशा स्टार्ट होता है 1 से, ठीक है, 2 से, 3, ठीक है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है और -3 भी हो सकता है। यानी कि अगर मैं सिंपल वर्ड और टर्म्स में लिखूं तो ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और कोई भी वैल्यू हो सकती है। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो ये कहलाएंगे आपके इंटीजर्स। 1 से लेकर 100 ऑन जितनी काउंटिंग आपको आती है उसका पॉजिटिव सेट भी ले लें और नेगेटिव सेट भी ले लें, वो क्या कहलाएगा, इंटीजर कहलाएगा। क्लियर हो गई मेरी बात? एक दफ़ा दोबारा रिकॉल कर देता हूँ। इंटीजर्स आर दोज नंबर्स इन विच 1 से लेकर कोई भी काउंटिंग आप ले रहे हैं और उसके अंदर प्लस और माइनस की साइन यूज़ हो रही है, ठीक है। अब बात करते हैं होल नंबर की। तो होल नंबर हमेशा याद रखें बेटा, वो स्टार्ट होगा 0 से, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है। और नेचुरल नंबर नाम से जाहिर हो रहा है, जिसके अंदर नेगेटिविटी नहीं आएगी, 1 से स्टार्ट होगा एंड सो ऑन वो जाता रहेगा। क्लियर हो गई मेरी बात? यहाँ तक कोई मसला? ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका सेट बना है रियल नंबर का, वो क्या बना है, वो इंटीजर बना है, होल नंबर बना है और नेचुरल नंबर बना है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि भाई रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इस नंबर ने आपको बहुत तंग किया होगा पहली क्लासेज में भी, जब आप 8 क्लास में होंगे या 9 7 क्लास में होंगे, तो उस नंबर ने आपको बहुत तंग किया होगा। और एक लिमिटेड सी डेफिनेशन बुक के अंदर लिखवा दी जाती है कि ये होता है और ये इरेशनल होता है, ठीक है। तो इस बारे में आप घबराएं मत, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा चीज़ें क्या होती हैं। लेक्चर को गौर से सुनिएगा, अगर बोर हो गए हैं तो वीडियो पॉज कर लें, ठीक है, और उसके बाद से कंटिन्यू करें, लेकिन फोकस रखें चीज़ों, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। भाई रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ओके, रैशनल नंबर नाम से जाहिर हो रहा है कि इसमें क्या लगा हुआ है, रेशो लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? रेशो लगा हुआ है। और रेशो का मतलब क्या होता है, दो चीज़ों को कंपेयर करना। क्या करना? कंपेयर करना। मिसाल के तौर पर अगर मैं लिखता हूँ 1:3, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/3, ठीक है। तो रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके अंदर हम रेशो यूज़ करें, सही है, और वो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हो। अब फ्रैक्शन की फॉर्म को जो बुक वाले बोलते हैं, वो बोलते हैं P/Q। ज़रूरी नहीं है कि P ही हो और Q ही हो, सही है। P और Q का मतलब है दो ऐसे नंबर्स जिसका हम फ्रैक्शन ले रहे हैं, और Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। अब ऐसी टर्म लिखी हुई देखी होगी आपने बुक में, तो उससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। 0 का मतलब कि ये 0 के बराबर नहीं होगा, मतलब 0 के अलावा हर नंबर क्यू हो सकता है, ठीक है। तो ये कहलाएगा रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर में क्या होगा, रेशो होगा दो नंबर्स का और फ्रैक्शन होगा, यानी रेशो और फ्रैक्शन एक ही बात है। लेट सपोज अगर मैं लिखता हूँ 1/3, सही है, मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ 2/2, ठीक है, मैं लिखता हूँ 9/2, ठीक है, ये सारे क्या कहलाएंगे, रैशनल होंगे। अपने जहन में बस ये याद रखो कि जो चीज़ फ्रैक्शन में आ जाएगी वो चीज़ कहलाएगी रैशनल। अभी हम इरेशनल की बात नहीं कर रहे, सिर्फ रैशनल याद रखो। क्या? रैशनल स्टैंड्स फॉर रेशो, और जो चीज़ फ्रैक्शन में आएगी वो रैशनल कहलाएगी, सही है। अभी मैं उसकी लिमिटेशन में नहीं जा रहा कि कौन से रैशनल होंगे कौन से रैशनल होंगे, ठीक है। अच्छा, इनको फर्दर सिंप्लीफाइड करें तो ये डेसिमल फॉर्म में भी बन जाते हैं, सही है। जब अगर मैं 9/2 को डिवाइड करूंगा तो जाहिर है 9/2 डिवाइड होकर क्या बनेगा, कोई डेसिमल का ही आंसर देगा ना। जैसे 9/2 का क्या आंसर आएगा, 4.5, सही है। तो ये डेसिमल में भी आएंगे भाई, जाहिर है ना। अगर एक नंबर फ्रैक्शन में है तो वो डिवाइड होके या सिंप्लीफाई होके डेसिमल में आएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, और ये जीरोज भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्यू जो है वो 0 नहीं होगा, यानी अगर मैं ये 1/0 लिख दूं तो ये रैशनल नहीं होगा। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो इस बात का ख्याल रखें कि रैशनल नंबर वो होगा जो फ्रैक्शन में लिखा जाए
और सिंप्लीफाई करने के बाद डेसिमल बन जाए, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, -2/2 भी हो सकता है, 2/3 लिखें। ठीक है, क्लियर हो रही है मेरी बात? अच्छा, अगर समझ में आ रहा है तो दूसरों को भी शेयर करें लाजमी, ताकि नॉलेज जो है वो आपसे दूसरे में ट्रांसफ़र हो। सही है, इससे ये होगा कि आपकी भी अच्छी तैयारी हो जाएगी और आपके फ्रेंड की भी अच्छी तैयारी होगी। ठीक है, अच्छा आप आगे एक और चीज़ लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है? फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब होता है, बचपन में हमने पढ़ा था फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब ये होता है जो चीज़ काउंट हो सकती, ऐसा ही होता है ना, फाइनाइट का मतलब ये होता है जो चीज़ काउंट हो सकती हो, मतलब इसकी तादाद इतनी कम होती है डिविजिबिलिटी करने के बाद कि उनके डेसिमल प्लेसेस को मैं काउंट कर सकता हूँ। सही है, यानी कि अगर मैंने लिखा 3.25, तो ये काउंटेबल डेसिमल है ना, पॉइंट के बाद जो आ रहा है, इतना तो आइडिया हो गया होगा आप लोगों को कि जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, क्या लेट सपोज मैंने इसको सिंप्लीफाई किया 11/2, ठीक है, 11/2 सिंप्लीफाई होने के बाद क्या बना, 11/2 सिंप्लीफाई होने के बाद बना 5.5, यानी डेसिमल के बाद जो नंबर आ रहा है दैट इज काउंटेबल। ठीक है, तो ये फाइनाइट है। और रिकरिंग का क्या मतलब है? रिकरिंग को कहते हैं ग्रुप्स। मिसाल के तौर पर अगर डेसिमल आ रहा है 0.8585 85, तो दैट इज़ द रिपीटिंग ग्रुप। ठीक है, तो ये रिकरिंग डेसिमल्स कहलाते हैं। सही है, तो इतना कॉम्प्लेक्सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये बात याद रखें, तीन बातें याद रखें। पहला, फ्रैक्शन जिसको हमने रेशो कहा, वो नाम से जाहिर हो रहा है रेशनल नंबर हो। दूसरा, फाइनाइट डेसिमल्स यानी सही डेसिमल्स को गिन सकते हैं। ठीक है, और तीसरा वो चीज़ जो कि रिकरिंग भी हो। ठीक है, तो बस आपको तीन चीज़ें याद रखनी है, फ्रैक्शन में होगा, डेसिमल के आगे गिन सकते हैं, और वो चीज़ रिकरिंग है या ग्रुप्स की सूरत में है। ठीक है, 8585 8586 भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या कहलाएगा, आपका रैशनल नंबर कहलाएगा। अब मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी लिख दी हैं, क्या 9 या 9/1 एक ही बात है ना भाई, 9 के नीचे 1 छुपा हुआ होता है। ठीक है, 0.5 या 1/2 1/2 को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, 0.5 बनेगा। फिर 10/20 इसको भी सिंप्लीफाई करें, 10 1s 10 2s 1/2 दोबारा बनेगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ जो बहुत मज़े की चीज़ है इसके अंदर, वो ये है कि परफेक्ट स्क्वायर भी हो। मतलब अच्छा, तीन बातें मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अच्छा, पहली चीज़ आपको क्या होनी चाहिए, फ्रैक्शन हो, दूसरी चीज़ में क्या हो, फाइनाइट डेसिमल हो, ठीक है, और तीसरा क्या हो, रिकरिंग हो। मैं रिकरिंग बता चुका हूँ, ग्रुप्स की सूरत में जब नंबर्स डेसिमल के बाद लिखे हुए होते हैं। सही है, 8585 8587 8787 8687 8687, लेकिन अगर लिखा हो 0.85 इस तरीके से 8554, तब ये रिकरिंग नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गई मेरी बात? अच्छा, एक और मज़े की बात ये आई कि इसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर हो। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जिसका स्क्वायर करूं, जैसे 1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, 1, 2 का करते हैं तो 4, 3 का करते हैं तो 9, ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो अगर 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, तो ये नंबर्स कहलाते हैं परफेक्ट स्क्वायर। आप कैलकुलेटर में जाके सॉल्व कर सकते हैं इसको। अगर आपको शक है किसी नंबर पे ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है या है, तो आप उसका स्क्वायर भी ले। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करती हैं सारी चीज़ें, कि आप किस तरीके से अपने माइंड को एग्जीक्यूट करते हैं और चीज़ों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं। ठीक है, तो जो शुरू के टॉप 10 रेशनल परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं, उनमें 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है, सही है, इसके अलावा 64 है, 81 है और 100 है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब अगर रूट में, अच्छा बच्चे गलती क्या करते हैं, रूट में लिखा होता बोलते हैं सर ये रैशनल नहीं है। नहीं, अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट में होगा तो इट इज़ अ रैशनल। ठीक है, आप देखो ये 0.777 जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है, रिकरिंग डेसिमल है। ठीक है, तो हमने इसमें चार बातें जो हैं रैशनल नंबर से सीखी। पहला, फ्रैक्शन होगा, दूसरा इसके डेसिमल्स हम गिन सकते हैं, गिनने से मुराद 5 हों 6 हों हम गिन सकते हैं, रिकरिंग है यानी ग्रुप्स की सूरत में रिपीटिंग भी डेसिमल जा सकते हैं। सही है,
और चौथा क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी रैशनल नंबर्स के हवाले से। ठीक है, अब इरेशनल नंबर्स की बात करते हैं तो उसको आप बिल्कुल ही उलट कर दें। बिल्कुल ही उलट कैसे करेंगे? इट कैन बी रिटन इन डेसिमल्स बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। यानी कि इरेशनल है ना भाई, इर मतलब नहीं, रेशो मतलब रेशो, यानी रेशो में नहीं। सही है, तो रेशो में नहीं लिख सकते, तो रेशो में कभी भी ये नंबर आपको लिख दिखता हुआ या लिखता हुआ नज़र नहीं आएगा। हाँ, कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, अब मैं उसको अपनी तरफ से कुछ फ्रैक्शन में कर दूँ तो वो अलग बात है, लेकिन कभी भी परफेक्ट रेशो में नहीं आएगा। ठीक है, और इसके जो जीरोज़ होते हैं वो क्या होते हैं? एंडलेस नॉन रिपीटिंग, मतलब रिकरिंग तो हैंगे ना ग्रुप्स की फॉर्म में, और उसके डेसिमल्स को हम गिन भी नहीं सकते। मतलब इतने डेसिमल्स हो जाते हैं कि मुझे आगे डॉट 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 लगाना पड़ता है। ठीक है, जैसे पाई की एग्जाम्पल ले लें, अब पाई क्या है? पाई की वैल्यू होती है 3.142। ठीक है, जब पाई की वैल्यू 3.142 है और उसके आगे इतने डिजिट्स हैं तो मैं काउंट नहीं कर सकता, तो ये क्या कहलाएंगे? इरेशनल कहलाएंगे। सही है, मेरे पास √2 है, जब √2 को कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे ना तो ये आएगा अराउंड 1. समथिंग 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 एंड डॉट डॉट डॉट। कैलकुलेटर में करके देख लें, साइंटिफिक अलाउ नहीं है लेकिन नॉर्मल तो अलाउ है ना, तो नॉर्मल में करके चेक कर लें। इसके अलावा 0.212121, अब देखो ये मैं ग्रुप में नहीं कर सकता, 21 एक ग्रुप है, 22 एक अलग है, फिर 12 अलग है, इसका मतलब ये नॉन रिकरिंग है और नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, रिकरिंग रिपीटिंग से निकला। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको रैशनल और इरेशनल समझ में आ गया हो तो क्या आपको समझ में आ गया है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो दोबारा रिपीट करके देख लें, आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो दोबारा से एक कंक्लूजन, रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स इन विच हम रेशो में चीज़ें लिखते हैं, फ्रैक्शन होते हैं, गिरने वाले डेसिमल्स होते हैं, अगर डेसिमल ज़्यादा भी होते हैं तो वो ग्रुप्स की सूरत में होते हैं। इरेशनल में क्या होता है? इरेशनल में हमारे पास जो डेसिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन रिपीटिंग होते हैं एकदम, और अनकाउंटेबल भी होते हैं। सही है, और पाई की वैल्यू इसमें आ जाती है, रूट में आ जाते हैं। अगर रूट में आपको कोई नंबर दिख रहा है तो इट इज़ अ इरेशनल नंबर। ठीक है, बाज़ औक़ात रेशियो जो होते हैं ना, लेट्स सपोज अगर मैं लिखूँ 2/7, मे बी इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो इरेशनल हो, लेकिन वो हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ रैशनल और इरेशनल की एक कॉलम बनवा के, तो लेट सपोज ये रैशनल का कॉलम है, ये इरेशनल का कॉलम है, तो आप मुझे एग्जाम्पल लिख के दें। ठीक है, आपके पास 2 मिनट का टाइम है, आप यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करना है और एग्जाम्पल लिखें। ठीक है, ओके, अब आपने लिख ली होगी आई गेस, तो मैं रैशनल की पहले एग्जाम्पल लिखूंगा 2/4, दूसरी एग्जाम्पल क्या हो सकती है? दूसरी एग्जाम्पल हो सकती है 5/6, और तीसरी एग्जाम्पल क्या हो सकती है? तीसरी एग्जाम्पल परफेक्ट स्क्वायर में कर सकता हूँ, तो रूट लगा के 64 लिख सकता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से इरेशनल में आ जाए, आप इसको लिख रहे हैं 3.142 डॉट 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 डॉट। ठीक है, इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं? इसके अलावा आप लिख सकते हैं अंडर रूट में, सही है, 61, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसके अलावा एक और एग्जांपल लिख सकते हैं आप पाई की। ठीक है, इसके अलावा आप दूसरी डेसिमल सी एग्जांपल लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह